सुप्रभात मित्रों, देखते हैं आज हिंदी में एकम नंबर 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। यह एकम मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। अब लेखक के बारे में तो आप सब जानते हैं, आबाल वृद्ध युवा अपितु पूरा विश्व महात्मा गांधी के नाम से परिचित है। आप ये भी जानते हैं कि इसका जन्म 1869 में ईस्वी सन में 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में उसका जन्म हुआ था। अब उसने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की और फिर वह उच्च अभ्यास के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जाकर उसने बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की। फिर वह वकालत के लिए अफ्रीका गए। अफ्रीका में गांधी जी ने हिंदुस्तानियों पर अमानुष्य वर्ताव जो हो रहा था वह देखा। अब वहीं काले गोरे का भेदभाव चलता था। वहीं भी गांधी जी के साथ भी कई ऐसे अमानुष वर्ताव हुआ। गांधी जी वहीं से भारत लौटे। उसी समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। यही गुलामी में से मिटाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने कई प्रकार के आंदोलन किए, कई सत्याग्रह, एक सत्याग्रह भी किया। और आंदोलन में कई बार गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा है, ये सब बात आप जानते हैं। लेकिन आखिर मोहनदास गांधी ने भारत देश को आजाद करके ही दिखाया। लेकिन आजाद भारत में लंबे समय तक इसका सुख भोगने के लिए महात्मा गांधी रहे नहीं। और सन 1948 में महात्मा गांधी का निधन हो गया। ऐसे महात्मा गांधी लेखक के माध्यम से देखा जाए तो भी उसकी बहुत सारी कृतियां ख्यातनाम है। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग नाम की एक सुंदर आत्मकथा भी लिखी है। वह आत्मकथा पूरे विश्व में प्रख्यात है। विश्व की कई भाषाओं में वह अनुदित हुई है। इसके अलावा भी गांधी जी ने मेरा धर्म, सत्याग्रह, सर्वोदय, मेरा समाज, आश्रम का इतिहास, मोहनलाल, हिंदी स्वराज्य, दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह का इतिहास और मंगल प्रभात, ऐसी कई सुंदर कृतियों की रचना मोहनदास करमचंद गांधी ने की। इस एकम के अंदर गांधी जी जब अफ्रीका में थे उसी समय वह चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जा रहे थे और उसी समय एक अफ्रीकन ने गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया है वह व्यवहार इस पूरे एकम के अंदर बताया गया। तो गांधी जी ने अपने समय में हिंदुओं पर किस प्रकार के जुल्म ढाए जाते थे, काले गोरे का किस प्रकार का भेदभाव चलता था, इस बात को उजागर करते हुए इस एकम की रचना की। तो देखें गांधी जी
इस एकम के अंदर क्या कहना चाहते हैं। तो सभी मित्रों अब अपनी किताब निकाल कर बैठो ताकि यह एकम हमें पूरी तरह से समझ में आ सके। तो देखते हैं हम इस एकम को कि ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। यह उस समय की बात है जब एक शहर में से दूसरे शहर में जाने के लिए मूलतः ऐसे आजकल जो वाहन व्यवहार चलता है वैसा वाहन व्यवहार नहीं था। मतलब ट्रेन की सुविधा थी तो सही लेकिन कम प्रमाण में थी। जिस समय हमें चाहिए वही समय पर हमें ट्रेन मिल सकती नहीं। इसलिए इसी समय गांधी जी को चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाना था लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं थी। घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक राजस्टैंड स्टैंड में रुकना पड़ता। घोड़ों की सिक्रम देखिए एक शब्द आया सिक्रम घोड़ा गाड़ी। घोड़ाओं से चलती गाड़ी घोड़ा गाड़ी एक मध्यम पदलोपी समास भी होता है जिसे हिंदी में सिक्रम कहते हैं। तो जोहानिसबर्ग जाने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं थी लेकिन उसी समय ऐसी घोड़ा गाड़ी तांगे वाले यह सब सुविधा थी। इसलिए घोड़ा गाड़ी में बैठकर जोहानिसबर्ग जाया सकता था लेकिन लंबा रास्ता होने के कारण बीच में स्टैंड स्टैंड में रुकना पड़ता था आराम करना पड़ता था क्योंकि ये गाड़ी घोड़े से चलती है। इसलिए लंबा रास्ता होने के कारण घोड़े को भी विराम चाहिए इसलिए वहीं रुकना पड़ता था। जैसे कि यहां से बंबई जाना है हमें रेलवे में तो कई बार हम पालमपुर से बंबई जाने में रास्ते में अहमदाबाद भी रुकते हैं। आजकल गाड़ी की सुविधा है तो वो भी तो उसी प्रकार यहाँ स्टैंड स्टैंड में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। देखिए शब्द है टिकट एक पुल्लिंग शब्द है। टिकट नहीं ये शब्द गलत टिकट व पुल्लिंग शब्द है। तो उसी समय गांधी जी कहते कि मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। अब सिक्रम में बैठने के लिए भी टिकट की आवश्यकता थी लेकिन वह टिकट एक दो दिन तक चलती थी। आज के समय में टिकट जिस समय की होती है वही समय में चलती है। दूसरे दिन वह टिकट रद्द हो जाती है रद्दी हो जाती है लेकिन वही समय में वह टिकट एक दो दिन तक चलती यह टिकट चलता था। इसलिए गांधी जी के पास टिकट था लेकिन वह टिकट अभी रद्द नहीं हुआ। इसके सिवा अब्दुल्ला शेख ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था। एक अब्दुल्ला शेख है और वह अब्दुल्ला शेख ने चार्ल्स टाउन के सिक्रम वाले मतलब घोड़ा गाड़ी के मालिक को एक तार भी भेज दिया था। मतलब आज जैसे फोन की सुविधा है मोबाइल की सुविधा है वैसी सुविधा पहले के समय में नहीं थी लेकिन वही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फौरन समाचार भेजने के लिए तार की सुविधा थी वह दूसरे दिन मिल जाता। तो इसी प्रकार अब्दुल्ला शेख ने चार्ल्स टाउन के सिक्रम वाले के नाम पर एक तार भी लिख कर भेज दिया पर उसे तो बहाना ही खोजना था लेकिन इस सिक्रम वाला था वह अफ्रीकन था गोरा था उसे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था। उसे तो किसी न किसी प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी को हैरान करना था परेशान करना था और परेशान करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। इसलिए उसने बहाना बता दिया कि भाई तुम्हारा जो टिकट है वह टिकट रद्द हो गया इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा
कहा आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। देखिए अजनबी कहें अजनबी अपरिचित वह गोरे ने मुझे देखा तो उसको लगा कि वो अपरिचित है हमारा देश का नहीं है इसलिए कोई ना कोई बहाने से उसे परेशान किया जाए इसलिए उसने प्रश्न निकाला कि भाई आपका टिकट है वह टिकट रद्द हो गया है। मैंने उचित उत्तर दिया गांधी जी कहते हैं मैंने उसके सामने उचित सही योग्य उत्तर दिया पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई वास्तव में मेरा टिकट रद्द नहीं हुआ गया लेकिन टिकट रद्द होने के कारण से वह मुझे हैरान करना चाहता था वह मुझे बाद में पता चला गांधी जी ने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि वह ऐसा क्यों कहता था कि तुम्हारा टिकट रद्द हो गया। यात्री सब सिक्रम के अंदर बैठते थे देखिए शब्द है यात्री तो यात्रा यात्री एक कर्तुवाचक बनता है इसका यात्रा करने वाला यात्री तो यात्रा का कर्तुवाचक होता है यात्री तो देखें यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे मुसाफिरी करने वाले जो लोग थे वे लोग की घोड़ा गाड़ी के अंदर इस सिक्रम के अंदर उसकी सीट उसकी बैठक लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था देखिए कुली देखिए आप अफ्रीका लोग ऐसे भारतीयों को कुली की तरह समझते थे कुली मतलब हमार हमार मतलब बोझ उठाने वाला ऐसे कुली शब्द है रेलवे स्टेशन पर सुनने को मिलता है मुसाफिरों का सामान रेलवे में लादना और अंदर से बाहर निकालना बोझ उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला व्यक्ति उसे बोलते हैं कुली जो अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर भी था शायद आपने देखा हो तो इसके अंदर अमिताभ बच्चन हमार का काम करता कुली का एक मजदूर का तो ऐसे अफ्रीकन लोग ऐसे भारतीय लोगों को कुली की तरह समझते थे तो वे लोग तो मुझे कुली की तरह समझते थे अजनबी दिखाई पड़ता था और मैं उसके सामने एक अपरिचित व्यक्ति की तरह दिख रहा था इसलिए सिक्रम वाले की नियत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा देखें नियत मनसा इसलिए सिक्रम वाले की इच्छा यही थी कि सिक्रम के अंदर दूसरे गोरे लोग बैठे थे इसलिए मैं सिक्रम के अंदर बैठू ना वही उसकी मनसा थी इच्छा थी क्या कि मैं हिंदुस्तानी वे लोग हमें काले माने और वे गोरे इसलिए मैं उनके साथ बैठू बस सिक्रम वाले के मालिक को मालिक की इच्छा नहीं थी उसकी मनसा नहीं थी गोरे यात्रियों के पास न बैठा पड़े तो अच्छा सिक्रम वाले के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं दो सीटें ये कोचवान देखिए एक शब्द है कोचवान कोचवान गाड़ी चलाने वाला तो ये कोचवान था जो गाड़ी चलाने वाला था ना वह गाड़ी चलाने वाले के दाएं बाएं वह जिस सीट में बैठता है बैठक में बैठकर वह गाड़ी चलाते उसके दाएं और बाएं एक एक व्यक्ति बैठे वैसी जगह थी सीट खाली थी जैसे कि आजकल हमारे शहर में जो रिक्शाएं चलती हैं तो वही जो ड्राइवर बैठता है ड्राइवर के दाएं और बाएं एक एक जगह होती है अतिरिक्त लोग बैठ सके अधिक लोग बैठ सके इसके लिए तो इसी प्रकार कोचवान की गाड़ी कोचवान की अगल बगल में मतलब दाएं बाएं जगह खाली थी
उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। ये दो सीट थी, ये दो सीट में से एक सीट पर यह सिक्रम एक जो घोड़ा गाड़ी है वह घोड़ा गाड़ी का एक मुखिया है, ये गोरा है, वह इसके बगल में बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान के बगल में बैठाया। देखिये वास्तव में तो मेरी बैठक सिक्रम के अंदर थी, लेकिन इन गोरे मुखिये ने मुझे अंदर बैठने दिया नहीं। देखिये पहला झटका मुझे लगा, देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मेरी सीट बैठने के अंदर है, लेकिन इस गोरे व्यक्ति ने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया, मुझे अंदर बैठने दिया नहीं। और जहां कोचवान की बगल में ये गोरा मुखिया बैठता है वही स्थान पर मुझे बैठा दिया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय, गांधी जी कहने समझ गया कि यह निरा, निरा मतलब बिल्कुल। यह बिल्कुल अन्याय है, यह बिल्कुल अन्याय है, अपमान है, और ये तो एक मेरा अपमान भी है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। लेकिन गांधी जी समझ गए कि हम दूसरे देश में हैं, गांधी जी परिस्थिति को समझ गए, इसलिए वे यह कड़वे घूंट, ये अपमान के कड़वे घूंट भी वह पी गए। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। गांधी जी कहते हैं कि मैं जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक गाड़ी के अंदर बैठो वैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वही तो अफ्रीका लोग और हम पराये देश में सिक्रम में बैठने वाले सभी पराये, और वही हमारा बल चले नहीं, क्योंकि वे सब एक थे और मैं अलग था। तो गांधी जी समझ गए कि यहां बल का प्रयोग करना कोई काम का नहीं, इसलिए गांधी जी ऐसे अपमान के घूंट में भी गए। अगर तकरार में पड़ू तो सिक्रम चले जाए, तकरार मतलब वाद विवाद। गांधी जी कहते कि अगर मैं वाद विवाद में पड़ू, मैं एक घोड़े मुखिया के साथ तकरार करूं, तो ये तकरार के अंदर काफी समय निकल जाए, और ये समय निकल जाए तो यह सिक्रम मेरे हाथ से चली जाए, तो मुझे एक दिन ज्यादा यहां रुकना पड़े। इसलिए परिस्थिति को समझते हुए गांधी जी ने घोड़े मुखिया के साथ तकरार की नहीं, और कोचवान की बगल में गांधी जी बैठ गए। सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देख ही जाए। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मैंने बहुत पर मन में बहुत झुंझलाया। देखिये झुंझलाना बिगड़ना, बिगड़ना खींचना भी बोले उसको। गांधी जी कहते हैं मन में नहीं, मन में बहुत खिजाया, बहुत बिगड़ा, झुंझलाया, लेकिन वही मैं कर भी क्या सकता। परिस्थिति समझकर मैं कोचवान की बगल में बैठ गया, और एक गोरा मुखिया जो मेरी जगह थी वही जगह पर वह गए। लगभग 3 बजे सिक्रम पारणी को पहुंची। देखे समय बीता गया, गाड़ी में बैठे बैठे टांगा को घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे 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 चलती चलती 3 बजे सिक्रम पारणी को पहुंची। यह सिक्रम पारणी को तक पहुंच गए। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे, उसे सिगरेट पीनी। मुखिया मतलब प्रधान व्यक्ति। अब ये जो गोरा मुखिया था उसने वैसा चाहा कि अब जिस जगह पर मैं बैठा हूं, मतलब कोचवान के बगल में जहां मैं बैठता हूं, वहां कहीं बैठे गोरा मुखिया। क्यों बैठे? क्या कि उसको सिगरेट पीनी थी? सिक्रम के अंदर बैठे बैठे तो वह पी सकता नहीं था। अरे वास्तव में उसको सिगरेट पीना है,
या गांधी जी को हैरान करना है, ये देखते हैं। तो उसने गांधी जी से कहा कि तुम वही स्थान से उठो, वही स्थान पर मुझे बैठना। बैठा था वहां, वह बैठे, उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी। क्या उसको हवा भी खानी थी और सिगरेट भी पीनी। इसलिए उसने एक महिला सा बोरा जो वही कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटर के पर बिछा कर मुझसे कहा, साहिब तू यहां। और फिर यह थोड़े उठे ने मुझे कहा अपने स्थान से उठकर, और कोचवान के पास एक महिला उचेला की बोरा पड़ा था। एक ऐसे महिले उचेले कपड़े की गद्दी पड़ी थी, बोरा पड़ा था। वह उसने यह कोचवान के बगल के पास बैठने की जगह है, वहीं से नीचे उतरने की जो जगह है वह पग रखने की जगह, सब लोग वहीं पग रखकर ऊपर चढ़ते हैं, वह थोड़ी जगह वहीं यह बोरा बिछा दिया। और फिर ये बोरे मुझे ने मुझे कहा कि सामी तू वहीं से उठ, मुझे वहीं बैठना है, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे हवा भी खानी है, तो इस जगह से उठ और ये पैरों में जो जगह है या जो बोरा बिछाया है वही स्थान पर तू बैठ जा, मुझे कोचवान के पास बैठना है। कोचवान के पास तो मैं बैठूंगा। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, असमर्थ। इस बात को अपमान हुआ, वह अपमान सहने की शक्ति मेरे अंदर नहीं, तो इस बार यह अपमान सहने में भी असमर्थ था। इसलिए मैंने डरते डरते उसे कहा, तुमने मुझे यहां बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। अब गांधी जी कहते हैं कि अब की बार यह अपमान सहने में तैयार नहीं था, जो होना हो सो होए, मैंने सारी ताकत इकट्ठी करके मैंने वह थोड़े मुझे से कहा कि तूने मुझे यहां बैठने के लिए कहा तो मैं यहां बैठ गया। व्यस्त में मेरी जगह शिक्रम के अंदर थी, तुम शिक्रम के अंदर बैठे और कोचवान के बगल में मुझे बैठाया तो मैं वह अपमान सह गया। अब तुम कहते हो कि यह स्थान से उठकर या पैरों में बैठो तो यह सत्य नहीं, मेरी जगह तो अंदर थी पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहां बैठाया, कि मेरी जगह तो अंदर थी लेकिन तुमने मुझे वहीं बैठने दिया नहीं, वहां तुम बैठे, मुझे कोचवान के बगल में बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई और सिगरेट पीनी है इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। अब तुम कहते हो मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे हवा खानी है, क्या सिगरेट पीनी है, हवा खानी है, और इस बहाने के नीचे अब तुम मुझे फिर हैरान परेशान करना चाहते हो। एक तो अंदर बैठना नहीं दिया, जहां बैठा हो वहीं भी आप बैठने नहीं देता, और एक नीचे जहां पग रखने की जगह है, पैर रखने की, वहीं आप बैठना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूं पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार। देखिए गांधी जी ने हिम्मत इकट्ठी करके बताया कि आप मुझे अंदर बैठने की सहमति देते हो तो मैं अंदर जाने के तैयार, लेकिन यहां से उठकर तुम्हारे पैरों के नीचे ये पगे की जगह पर ये मैले कुचले बोरे पर मैं बैठने के लिए तैयार, आपकी इच्छा है तो मैं अंदर बैठ जाऊं, वरना मैं जहां बैठा हूं वही सही। ऐसे पूरी हिम्मत इकट्ठी करके गांधी जी ने ये बोरी मुखिया का विरोध किया। अब देखिए आगे क्या होता है वो हम अगले क्लास के अंदर देखते हैं।